हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में मंडी जिला में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई 7 लोगों की मौत पर जांच होने की बात कही है। दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, यह बात शिमला में मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला गंभीर है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही दोषियों पर सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार ने SIT का गठन कर दिया है जो मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने व CM जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने CM जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल गाड़ी करार दिया था, जिस पर जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे, फिर दूसरों पर कटाक्ष करे। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि दोनों समारोह के दौरान कोरोना वायरस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 दिन में भारी बर्फबारी हुई है और सड़कों को खोलने और बिजली न जाए इसका ध्यान रखने के निर्देश सभी जिला उपायुक्त को दिए गए हैं। सर मौसम हाँ जी अच्छा अच्छा मौसम अच्छा है जी। मौसम के सिलसिले में ये कहूँगा कि भी मौसम खराब है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सब जगह अलर्ट पे रखा है और जो टूरिस्ट कोई भी ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर बर्फ के कारण वो अपने को संकट में डाले। और दूसरी बात यह है कि जितनी रोड्स वाटर सप्लाई स्कीम्स और हमारे ट्रांसफार्मर्स डाउन हुए हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमने तुरंत कहा है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े युद्ध स्तर पर जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, चाहे वो रोड्स की बात है, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात है, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई की बात है। तो उस दृष्टि से सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे 2 चीज़ों को लेकर के इतना कहना है कि कोविड की सारी सिचुएशन पर अभी हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो कल तक हैं, 26 तक हैं अभी वो, लेकिन हमने मन बनाया है कि कोविड के केसेस यथावत हैं, लगभग थोड़ा कमी जरूर आई है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो थोड़ा इंक्रीज भी हुआ है। ऐसे में जो वर्तमान में जो बंदिशें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कायम रहेगी एज इट इज़, उसमें कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं करेंगे, बस 31 जनवरी तक जी। ठीक है, वो बातचीत हुई है, उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हिमाचल प्रदेश में और किसी कर्मचारी वर्ग को कोई क्षति पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का कोई भी लक्ष्य नहीं है सरकार का। समय समय पर कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी हमने कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिए हैं और आने वाले समय में भी उन पर उसी प्रकार से उनको हम कोशिश करेंगे कि उसी प्रकार से उनको वित्तीय लाभ जो जो भी मिलते हैं और जो नियम के अनुसार है, पंजाब पे कमीशन की अगर बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश भी करेंगे जल्दी। सर बस्टेड अ बिग इलिसिट लीकर स्कैम सर, सनापुर में ऑफिस लोगों की डेथ भी हुई है, लेकिन अब उस पर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं, कुछ फोटो पब्लिश हो रही हैं, अब क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच और सर इसी में ऐसी घटनाएं बार बार भविष्य में ना हो, सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी? सरकार ने सारे विषय को बड़ा गंभीरता से लिया है और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के शेप में ये सारा धंधा जो चल रहा था ऐसी कार्यवाही की जाए जो आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बने। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं उनको सब्र करना चाहिए। 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जब हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और जब कुछ लोगों को उसमें पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उन लोगों के रिश्ते, उनके संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसकी रिकमेंडेशन वो पदाधिकारी बने, किस पार्टी के बने, इस बात को लेकर के छुपाने की बात नहीं है।
और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस के नेता जो बहुत ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, कृपया झांक करके देखें, आज सत्ता में नहीं है उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत और हौसले, उनके लोगों के, उनके पदाधिकारियों के किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए जिसमें 7 लोगों की जान गई है उसमें उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। जहां विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआत जयराम ने की है और हम ख़त्म करेंगे, क्या ख़त्म करेंगे? क्राइम को ख़त्म करने का हमारा एक लक्ष्य है, हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जयराम का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, 7 लोगों की जान गई है और उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उन लोगों को आपने कंपनसेशन दिया। मेरा मानना है कि वो 7 लोग जो है उस साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन साजिश के शिकार हो गए जिनको जीवन खोना पड़ा। उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मदद करने की दृष्टि से हमने इस सारी बात को सोचा है। लेकिन उन लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में अगर उनके प्रमुख नेता जो उनके साथ फोटो खींचने की बात समझ में आती है, चलो फोटो किसी के साथ भी खींच लेता है, कोई बार चलते चलते खींच लेता है, कई बार आकर के आग्रह कर लेता है फोटो खींचना, लेकिन पदाधिकारी तो किसी को जबरदस्ती नहीं बना सकते हैं, पदाधिकारी तो उनको बनाया गया ना, और किन लोगों की रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो वो परेशान क्यों है? इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए, इसकी जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच होने दीजिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें पिछले भी निकल रही हैं, जो महानुभाव बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने की जिनको आदत पड़ गई है उनको इस बात को समझना चाहिए, ऊंचे बोलने से नहीं काम होने वाला है। और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी निकलने वाली हैं, बहुत जल्दी आप थोड़ा सा इंतजार करें, चीज़ों को डिटेल में क्यों करेंगे चर्चा, लेकिन कार्यक्रम होने हैं और पूरे आप सबके माध्यम से हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड है कल, और स्टेटहुड के इस दिवस पर मैं सभी हिमाचल वासियों के आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल का कार्यक्रम हमने सोलन में रखा है और कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को करेंगे। 26 तारीख का कार्यक्रम भी कोविड के नियमों के पालन के साथ ही होगा, और 26 तारीख की भी मैं रिपब्लिक डे पर भी मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। सबमिशन की है, रिक्वेस्ट की है, उन सारी चीज़ों को लेकर हम विचार कर रहे हैं। हम ने कहा कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम काम करने वाले लोग हैं, पुलिस हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिसिप्लिन फोर्स है, और डिसिप्लिन में रह करके, अनुशासन में रह करके उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमारा किया हुआ नहीं है। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अगर उनके सारे रूल्स में जो चेंजेस की गई वो 2015 में की गई, और इसलिए जिन लोगों के कारण, जिस पार्टी के कारण, जिस सरकार के कारण उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उनके बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में नहीं। हम उनके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ करके मदद करने का मन रखते हैं। भले मामले में सिर्फ इतना ही कहना, मैंने कह दी अपनी बात, जांच हो रही है इसमें अभी ज्यादा। मौत के बाद प्रशासन क्यों जागा, इससे पहले पुलिस प्रशासन का? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानता हूँ उसमें त्रुटि रही है, कमी रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, रातों रात उन सारे लोगों को उठा उठा करके कहाँ कहाँ से लेकर के आ गए, इस बात को भी समझना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मित्रों, मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम उस कानून में अगर कोई हमको कुछ चेंज करना पड़े ऐसे ऑर्गेनाइज कैंपेन ऐसे क्राइम के बारे में, तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा और हम करेंगे भी। और हम तो कोशिश ये करेंगे जिन लोगों का जीवन गया है और उन लोगों के लिए जो कंपनसेशन हम दे रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, जो मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जमीन जायदाद कुर्क करके जो है वो करनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए, उसके तहत फिर उनको जो है मुआवजा उसके माध्यम से दिया जाए, ऐसा प्रावधान आने वाले समय में सोचेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी के रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव,
फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।